हेलो स्टूडेंट्स, सभी लोग ज्वाइन करेंगे। हाँ, सभी लोग ज्वाइन करेंगे। डियर, कैसे हो सब लोग? वेरी गुड। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आप पहला चैप्टर जो कि था स्टोन और रॉक के बारे में, पहला चैप्टर आपने बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही मेहनत से पढ़ा। फर्स्ट चैप्टर था डियर स्टूडेंट आपका, चैप्टर का नाम था बीएमसी के अंतर्गत, जिसका नाम था स्टोन और स्टोन के टेस्टिंग और रॉक से रिलेटेड। ठीक है, रॉक के मिनरल वो सब बातें आपने पढ़ ली हैं। आज का टेस्ट है भैया, आज का जो क्लास है वो है ब्रिक और ब्रिक मैसनरी पे। तैयार हैं सब लोग? सब लोग तैयार हैं? तो पहला ही क्वेश्चन है जो कि मैंने डिस्कस तो किया था थोड़ा सा पिछली क्लास में, लेकिन आज हम पढ़ते हैं। चलिए जी। आप करो। चलो बताओ, देखो ये तुम्हारा कॉमन बिल्डिंग ब्रिक की बात हो रही है, मतलब कि सबसे लिस्ट, सबसे कम ये बात हो रही है थर्ड क्लास ब्रिक की, और ये बात हो रही है सेकंड क्लास ब्रिक की, और ये बात हो रही है फर्स्ट क्लास ब्रिक की, ध्यान रखिएगा। और ये बात हो रही है कॉमन बिल्डिंग ब्रिक की मिनिमम, है ना, ध्यान रखिएगा। आप लोग जो हैं कैसे जवाब कर रहे हो, देखो पहला ही क्वेश्चन गलत। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कॉमन बिल्डिंग ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन, मतलब कि कॉमन बिल्डिंग ब्रिक मतलब कि जो नॉर्मल बिल्डिंग होती है सबसे लीस्ट, सबसे कम, जिससे कम होना ही नहीं चाहिए। अरे चलो जी, तो 3.5 होगा, सब लोगों ने गलत। सही जा रहे हो बेटा, देख रहे हो विनोद, ये हाल है तुम्हारे। पहला ही क्वेश्चन, और पहले ही क्वेश्चन पर पहली बॉल फेंकी मैंने, और पहली बॉल पे खतक करके आउट। गजब। द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक इन द 1 क्यूबिक मीटर ऑफ द ब्रिक मैसनरी, आप सब लोग जानते हैं, ये तो रटा वटा क्वेश्चन है 2015 और 17 में। आप सब लोग जानते हैं कि सर 500 ब्रिक हो जाती है, 1 मीटर क्यूब की बात हो रही है। गजब हो गया, देर नहीं रुकेंगे, देर रुकेंगे नहीं, जहां पर रुकना होगा वहां पर रुकेंगे। देखो मजा आ गया, 2015, 16, 17, 2019 कंटिन्यूअसली पूछा जाने वाला क्वेश्चन, तो गलत गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, और होगा भी नहीं। आपको पता है, सबको पता ही है, ये सभी को पता है। प्यारे विद्यार्थियों, जब हम बात करते हैं ना स्टैंडर्ड साइज, बस एक नाम अलग है, अगर ये आ जाए ना नॉमिनल साइज तो ये अलग है, इसके बाद आप कुछ भी कह लो, एक्स वाई जेड, गधा घोड़ा, कुछ भी कह लो, वो सब होगा स्टैंडर्ड साइज का। और स्टैंडर्ड साइज को दूसरा नाम एक मैं कह ही देता हूँ, मॉड्यूलर ब्रिक, मॉड्यूलर ब्रिक भी कहा जाता है। स्टैंडर्ड ब्रिक या अलाना फलाना कुछ भी कहा जाए, तो ये सब बात हो रही है किसकी, 19:9 की। लेकिन एक शब्द बस अलग है जिसका नाम होगा नॉमिनल साइज। नॉमिनल का शब्द का मतलब होता है एक्सपेक्टेड, अनुमानित। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है अनुमानित, अनुमानित का मतलब हम ये दिमाग लगा रहे हैं कि भैया एक्चुअल में क्लीन भट्टी से तो आया था 19 × 9 × 9, लेकिन जब उसको चिनाई में, मैसनरी में यूज करेंगे तो एक एक सेंटीमीटर थोड़ा सा एनहेंस होगा, एक एक सेंटीमीटर जब एनहेंस होगा, ये मान रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड है, तो 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर में सारी डायमेंशन, तो ये अनोमिनल हो जाएगा। तो आज के बाद कभी गलत मत करना है, कभी मत करना गलत। वेरी गुड।
इंडेंटेशन प्रोवाइडेड इन द फेस ऑफ द ब्रिक. इंडेंटेशन मतलब क्या होता है कि एक डेप्थ एम्बेडेड जो की जा रही है वो डेप्थ एम्बेडेड है, मतलब कि एक छेद, एक होल, एक तरह का इंडेंटेशन जिसको कहते हैं. इसको कहा जा रहा है क्या, इसको कहा जाता है क्या, फ्रॉग प्लेट, प्लेट स्ट्राइक. अरे यार कितना गजब क्वेश्चन है. ये कहा जाता है फ्रॉग, ये कहा जाता है डियोस्टन फ्रॉग, सब लोग जानते हैं. अरे जानते कि नहीं जानते हुँ? सर नहीं जानते थे, कोई ना जानता हो तो बताओ. सर एक चीज बताओ, फ्रॉक का साइज बता दो जरा. है सर एक काम करो, फ्रॉक का साइज बता दो जरा, बता सकता है कोई बेटा? फ्रॉक के ना 140 और 102 होता है, और 40 60 102 भी होता है. मतलब कि 140 और 10 से 20 ये भी होता है, और 60 40 और 10 से 20 भी होता है. ये क्या लिख दिया सर आपने, ये सेंटीमीटर में है, सॉरी एमएम में है. ये भी एमएम में है, ये भी एमएम में है. इसको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं. अरे फ्रॉक तो समझ रहे ना, ये जो बात हो रही है, ये इसकी बात हो रही है. इसका अगर मैं इस वाली की बात करूं तो ये 100 ये वाली चीज है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ऐसे वैसे भी आपका 19 सेंटीमीटर होता है, ये 20 सेंटीमीटर है ना. और ये वाला जो है आपका यहाँ पर 40 40, ये वाली चीज कह रहा हूँ मैं, 4 सेंटीमीटर मतलब. और जो डेप्थ है वो आपका 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के बीच में रखा जाता है. या तो आप ऐसे पढ़ेंगे, या तो आप दूसरा साइज ऐसा भी होता है फ्रॉक का, 60 × 40 × 10 से 20 सेंटीमीटर. ध्यान रखिएगा इस बात को. ओके दोनों साइज आ सकते हैं, वैसे नॉर्मली ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद कर ही लेना. चलिए आगे बढ़ते हैं. अ लेयर ऑफ ड्राई ब्रिक पुट बिलो द फाउंडेशन कॉन्क्रीट इन द केस ऑफ द सॉफ्ट सॉइल इज कॉल्ड एज, क्या बोला जाता है इसको? क्वेश्चन नंबर पांचवा, क्वेश्चन नंबर पांचवा. गजब हो गया साहब. इसको बोला जाता है डिएस्ट्रेंट. क्या देखो यार, सबसे पहले होता है आपका सोलिंग. ये सोलिंग क्या होता है? सोलिंग ही है ये, ठीक है, सोलिंग ही है ये, सोलिंग की बात कर रहा है. सोलिंग क्या होता है? ब्रिक से ही बनती है एक्चुअली में, ठीक है ना. अ लेयर ऑफ द ड्राई ब्रिक पुट बिलो द फाउंडेशन कॉन्क्रीट सोलिंग इन केस ऑफ द सॉफ्ट सॉइल. सोलिंग क्या होता है? एक आपका ब्रिक की लेयर होती है किसी सॉफ्ट सॉइल में, कोई सॉफ्ट सॉइल ऐसा, तो इसमें एक ब्रिक की लेयर देते हैं इसकी मजबूती के लिए. ब्रिक की लेयर होती है एक, सोलिंग इसी को कहा जाता है, यही बोला भी गया था, ठीक है. लेयर ऑफ द ड्राई ब्रिक पुट बिलो द फाउंडेशन इन केस ऑफ द सॉइल सॉफ्ट सॉइल, गजब हो गया. शोरिंग क्या होता है डियर स्टूडेंट? शोरिंग क्या होता है कि जैसे आपने क्या किया कि एक ये ग्राउंड ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल को एक्सकेवेट किया आपने, खुदाई किया. खुदाई करते हुए आप क्या देखते हैं? खुदाई करते हुए ये जो मिट्टी है ना, ये मिट्टी गिरती होती है, ये गिर रही होती है. इस मिट्टी को गिरने के लिए एक प्लेट बोर्ड का, एक लकड़ी के बोर्ड का यूज करते हैं. इस बोर्ड को आप क्या करते हैं, एक रैक, एक क्या करते हैं, रैकिंग और सोरिंग इसको कहा जाता है. इसको एक इनक्लाइंड बोर्ड की मदद से इसको क्या करते हैं, यहाँ पे चिपका कर, जैसे कि मिट्टी बार बार डिस्टर्बेंस ना करे, गिरे ना नीचे, उसको शोरिंग बोलते हैं. अब बात हो रही है डीपीसी. डीपीसी तो आप जानते हैं, डैम प्रूफ कोर्स, नमी को रोकने के लिए. तो ये सारी बातें आपकी क्लियर हो गई. यहाँ पर ऑप्शन था आपका ए, ए ऑप्शन था. आगे बढ़ते हैं. होलो ब्रिक आर जनरली यूज्ड विद द पर्पस. होलो ब्रिक तो आप जानते हैं ना कि नहीं जानते हो? बीच बीच में होल किया जाता है, क्या काम है इसका? होलो ब्रिक आर जनरली यूज्ड विद द पर्पस ऑफ, विद द पर्पस ऑफ, तुरंत जवाब करो जी. होलो ब्रिक का काम क्या है, मतलब पर्पस क्या है? सर प्रोवाइडिंग द इंसुलेंस अगेन, इंसुलेशन अगेंस्ट वोलो, इंसुलेशन अगेंस्ट हीट. क्या ये सच है? अरे बोलो यार जल्दी से बोलो. एक्चुअली में होलो ब्रिक को परफोरेटेड ब्रिक भी कहा जाता है डियर स्टूडेंट, परफोरेटेड ब्रिक भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, परफोरेटेड ब्रिक. तो हम इंसुलेशन अगेंस्ट हीट के लिए इसको यूज करते हैं. कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर नहीं, इंक्रीजिंग द बियरिंग एरिया नहीं, ऑर्नामेंटल वर्क नहीं, बी ऑप्शन सही होगा, याद कर लेंगे इसको. मतलब कि इंसुलेशन अगेंस्ट द हीट, ओके, इंसुलेशन अगेंस्ट द हीट, वेरी गुड, चलेगा. कुछ लोग गलत जवाब कर रहे हैं, कुछ सही भी कर रहे हैं. शेप ऑफ द ब्रिक गेट डिफॉर्म ड्यू टू द रेन वाटर, ये तो कई बार आपने डिस्कस भी किया होगा, 2016 और 17 दोनों साल में आया हुआ है.
तो आप बढ़ेंगे शेप ऑफ द ब्रिक गेट डिफॉर्म टू द रेन वाटर फॉलिंग ऑन द हॉट ब्रिक। कोई आपकी अभी अभी आपका जो है क्लीन से निकली है, हॉट ब्रिक है, उसमें कोई बारिश का पानी गिर जाए, मतलब कि आपने बाहर रखी थी ब्रिक एक्सपोजर में और अभी लाए थे आप क्लीन से भट्टे से, और कोई रेन वाटर बारिश का पानी गिर जाए तो एक डिफॉर्मेशन, एक शेप बनता है उसमें, क्या बोलते हैं इसको, उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, चप्स बोला जाता है। हल्के हल्के डिफॉर्म हो जाता है, क्रैकिंग पड़ जाती है, उसको चप्स बोला जाता है डियर स्टूडेंट। क्या बोला जाता है, चप्स। अरे जानते थे कि नहीं जानते थे। ब्रिक मैसनरी कुड फेल ड्यू टू, ब्रिक मैसनरी फेल किस वजह से हो सकती है, ब्रिक की जो चिनाई है वो किन किन वजह से फेल हो सकती है, आप सभी लोगों को ये जवाब करना है। हाँ यहां पर भाई जवाब कुछ लोग गलत कर रहे हैं, कुछ सही भी कर रहे हैं, कुछ लोग तुक्का मार रहे हैं, जय माता दी खेल रहे हैं, तो ऐसा ना करें। चलो कोई बात नहीं, मैं तो सही करवा ही रहा हूं आपके जवाब, टेंशन ना ले। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 8। अरे किन किन वजह से हो सकती है यार, गजब हो सकती है भाई। रप्चर अलोंग द वर्टिकल जॉइंट इन द पॉअरली बॉन्डेड वॉल, जो आपने बॉन्डेड करी है, बॉन्डिंग करी है, वो हो सकता है कि आपका गलत बॉन्डिंग भी हो, तो वर्टिकल प्लेन में भी हो सकता है, शियरिंग भी हो सकती है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, या क्रशिंग ड्यू टू द ओवरलोडिंग, कुछ भी हो सकता है, किसी भी वजह से भी हो सकता है। तो आप कहेंगे कि सर डी ऑप्शन, एनी ऑफ द अबव, वेरी गुड, किसी से भी हो सकता है। ये गजब क्वेश्चन है भाई 2016 का। द पोर्सन ऑफ द ब्रिक विदाउट अ ट्राइंगुलर कॉर्नर इक्वल टू द हाफ ऑफ द ब्रेथ एंड हाफ ऑफ द लेंथ, गजब क्वेश्चन है भाई, गजब को क्वेश्चन है, बताओ। चलो किंग क्लोजर है क्या ये, किंग क्लोजर है ये, हाँ सही बात है, सभी ने सही किया है। सर ये बात हो रही है क्वीन क्लोजर की, ध्यान से जवाब को पढ़ें। पोर्शन ऑफ द ब्रिक विदाउट अ ट्रायंगुलर कॉर्नर, विदाउट अ ट्रायंगुलर कॉर्नर इक्वल टू द हाफ द विड्थ एंड हाफ द लेंथ इज कॉल्ड, डियर स्टूडेंट एक्चुअली में ये क्या है, ये आपका क्वीन है या किंग है, किंग, जय माता दी। यहां पर गलती मत करना, जहां से जवाब को पढ़ो। डियर स्टूडेंट ये तुम्हारा किंग क्लोजर होगा, और एक होता है क्वीन क्लोजर, एक होता है किंग क्लोजर, दोनों में डिफरेंस है आप जानते हैं। ये तुम्हारा ब्रिक है भाई, ये लेंथ का हाफ है और ये विड्थ का हाफ है, तो लेंथ का हाफ विड्थ का हाफ, इस कॉर्नर को भगा दो, कर दिया, तो यही तो कहलाता था किंग क्लोजर। ये कौन है, राजा क्लोजर, किंग। और जब हम बात करते थे कि ये ब्रिक है आपका ऐसा, ये ब्रिक है और आपने क्या किया, विड्थ के हाफ यहां से और विड्थ के हाफ इतना पोर्शन को भगा दिया, तो ये क्या कहलाता था, क्वीन क्लोजर, यही था क्या, है ना, सब लोग जानते हैं क्वीन क्लोजर है ना इस, ठीक है याद रहेगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, किसने गलत किया हो तो बताओ। सभी बता दीजिए, देखो मैं बता देता हूं कुछ चीजें आपको बता देता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं। देखो क्वीन क्लोजर बता दिया, किंग क्लोजर बता दिया, समझ गए यहां तक, ओके यहां तक कोई दिक्कत। अब आते हैं वेवल्ड क्लोजर, वेवल्ड क्लोजर क्या होता है, देखेगा ध्यान से, वेवल्ड क्लोजर क्या होता है, जस्टिन वेवल्ड क्लोजर क्या होता है कि आपका एक यहां पर वेवल्ड क्लोजर की जब बात करते हैं, ये तो वेवल्ड क्लोजर एक साइड तो आपका पूरा रहेगा, मतलब कि लेंथ में नहीं छेड़ेंगे आप, विड्थ में छेड़ेंगे, मतलब कि यहां पर ये विड्थ का एक साइड तो हाफ रहेगा और ये वाला तुम्हारा आधा रहेगा, ये वाला पोर्शन ऐसा, ये विड्थ के हाफ से लेकर और इसके पूरे तक, इसके यहां पर एक पूरा पोर्शन विड्थ का
और यहाँ पर ब्रिक का इतना पोर्शन भगा दोगे तो इसको कहते हैं वेवल्ड क्लोजर, वेवल्ड क्लोजर, ठीक है, समझ गए बात को, वेवल्ड क्लोजर। स्क्विंट क्लोजर क्या होता है कि ऐसे ब्रिक हम रखते हैं, कई बार आपने देखा भी होगा ऐसे रहते हैं ब्रिक आपकी, इस तरह से बना नहीं पा रहा हूं लेकिन इस तरह की ब्रिक रहती है जो, ओके अभी आगे फिगर आएगा। खैर ये बात भी हो रही है आपकी क्वीन क्लोजर, क्या ये बात भी तो क्वीन क्लोजर की हो रही है ना, क्वीन क्लोजर की हो रही है क्योंकि आपको बोला गया ब्रिक कट इनटू द टू हाफ्स लॉन्गिट्यूडनली। लॉन्गिट्यूडनली का मतलब है कि आपने कैसे काटा, अभी जस्ट पहले बताया, यहां पर काट दिया लॉन्गिट्यूडनली, वेरी गुड। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। रेड कलर ऑब्टेन्ड बाय द ब्रिक इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड कलर, सर कौन सा क्वेश्चन, रेड कलर ऑब्टेन्ड बाय द ब्रिक इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, चलो किसकी वजह से होता है, आयरन ऑक्साइड क्या, अरे यार गजब है, इतना सिंपल क्वेश्चन, आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है, ये फ्लक्स का काम करेगा, स्ट्रेंथ का काम करेगा, ये स्ट्रेंथ और कलर दोनों देता है मैग्नीज, तो बस हो गया काम खत्म। प्लास्टिसिटी देता है एलुमिना, एलुमिना की वजह से आता है प्लास्टिसिटी, किसी भी शेप में आप ढाल सकते हैं, और ब्रिक जो है एक शेप पर एक शेप प्रोवाइड करता है उसी की वजह से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गुड फॉर द मेकिंग ऑफ द ब्रिक, ये कहना चाह रहा है कौन सा जो है अच्छा है ब्रिक को बनाने के लिए, जब आप ब्रिक बना रहे हैं पीवाईक्यू की पीडीएफ नहीं मिल रही है सर, टेलीग्राम पर नहीं मिल रही है, चलो मिल जाएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गुड फॉर द मेकिंग द ब्रिक, तो आप लिखेंगे कि ये होगा सिल्टेड सॉइल, वेदर्ड क्ले सॉइल और नन ऑफ दिस, तो सबसे बेस्ट क्या हो जाएगा सर, वेदर्ड क्ले है, वेदर्ड क्ले क्या हो जाएगा, ये वेदर्ड क्ले है ना, क्ले को आप वेदरिंग तो करते ही थे उसके बाद टेम्परिंग करते थे, तो सबसे परफेक्ट है। सॉइल नहीं कहेंगे, सॉइल नहीं कहेंगे क्योंकि जस्ट एंड सॉइल से थोड़ी ब्रिक बनती है, सॉइल उतना परफेक्ट आंसर नहीं है, मिट्टी से तो बनती है लेकिन मिट्टी के भी तो बहुत प्रकार है, लेकिन उसको अगर हम क्ले कह दें, चिकनी मिट्टी कह दें, क्योंकि क्ले में ही तो आपके प्रीडोमिनेंट, क्ले में ही तो इंग्रेडिएंट आपके होंगे सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीज, एल्यूमिना, ये सब बातें होंगी, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन था बी ऑप्शन। द प्रोसेस ऑफ द मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट टू मेक ब्रिक इज नोन एज, क्या बोला जाता है इसको, गजब का क्वेश्चन है भाई, ध्यान से सोच के जवाब करना, क्वेश्चन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है क्योंकि गलती होने के तरीके हैं। जी सर प्रोवाइड करा दीजिएगा, मैंने मैम को भी कॉल, ठीक है जी प्रोवाइड कर देंगे। टेम्परिंग, नीडिंग, पगिंग और नेक्स्ट है मोल्डिंग, नेक्स्ट है मोल्डिंग, बेटा ये क्या है एक्चुअली में, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले एंड वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट, ये क्या प्रोसेस, गलती मत करना यहां पर, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, नीडिंग कहलाता है ना, केवल आप मिक्सिंग कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम बात कर रहे हैं मिक्सिंग की, मिक्सिंग का मतलब है कि आपके पास प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट, अदर इंग्रेडिएंट भी आ गया तो कहते हैं नीडिंग। लेकिन इस ट्रेंड जब हम बात करते हैं टेम्परिंग की, तो टेम्परिंग का मतलब है उसको एक यूनिफॉर्म पेस्ट तैयार कर देना और उसके बाद उसको मोल्डिंग के लिए ले जाएंगे डायरेक्टली, तो नीडिंग के बाद टेम्परिंग जाएगा, लेकिन आपके अभी जो डेफिनेशन है वो बी की है, नीडिंग की है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, ध्यान रखना। सिलिका, पहले मैंने कहा था कि सिलिका वैसे सबसे ज्यादा होता है ब्रिक को बनाते हुए क्ले में,
आप भी जानते हैं कि 60 से 62% लगभग होता है, लेकिन बात यह हो गई कि अगर सिलिका ही अगर ज्यादा होगा तो इस परसेंटेज से भी ज्यादा कर दोगे तो क्या होगा, सवाल ये है, तो जवाब करो। एक्सेस ऑफ सिलिका इन द क्ले मेक्स द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक, मेक्स द ब्रिक क्रैक एंड वार्प ऑन द ड्राइंग, चेंज द कलर द ब्रिक फ्रॉम द रेड टू येलो, इम्प्रूव्स द इम्परमेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द ब्रिक। तो जवाब करो भाई फटाफट से, बहुत सारी चीजें पढ़नी हमको अभी। अरे बड़ी बात यह है कि 2016 में और 19 में दोनों में पूछा गया है, ये देखो 16 में और 19 में, 2019 में भी पूछा गया। चलो जी, और जितना भी बालक, कितना प्रतिशत बालक ऐसा है जो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सर हम तो किए हैं। अरे सिलिका ज्यादा होता है ना तो ये ब्रिटल को भंगुर कर देता है, ब्रिटल और कमजोर कर देता है, ये ध्यान रखिएगा, ब्रिटल और आपका कमजोर कर देता है स्ट्रेंथ को। फ्रॉग का मींस क्या है? फ्रॉग, अभी जस्ट पहले मैंने सारा का सारा चिट्ठा खोल के दिखाया था आपको कि फ्रॉग क्या है, द टर्म्स फ्रॉग मींस। तो आप जानते हैं कि फ्रॉग क्या है, एक डिप्रेशन है जो कि ब्रिक के फेस में रहता है, मतलब कि ब्रिक आप ऐसे स्टेबल करते हो, ऐसे बनाते हो, इसके फेस में रहेगा, डिप्रेशन है, डिप्रेशन मतलब एक डेप्थ है, एम्बेडेड, बस और कुछ नहीं है। नेक्स्ट करते हैं, द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सेकंड क्लास ब्रिक, अभी जस्ट पहले मैंने कहा था सेकंड क्लास ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना रखते हैं हम, सर 70 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी को तो लिखा जाता है 7 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, क्योंकि मैं कई दफा बता चुका हूं कि 1 किलोग्राम में होता है 10 न्यूटन, और मैं कई दफा बता चुका हूं कि 1 सेंटीमीटर में होता है 10 एमएम, तो बस यूनिट का ही तो खेल है। अगर मैं कहूं कि फर्स्ट क्लास ब्रिक, तो फर्स्ट क्लास ब्रिक में रहता है 10.5 10.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, अगर हम किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कहें तो 100 किलोग्राम हो जाता है वो पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ध्यान रखिएगा ए ऑप्शन। पग मिल को यूज करते हैं भाई काहे, पग मिल का यूज काहे करते हैं तो बताओ, पग मिल का यूज क्या करते हैं, कई बार दिखा दिया है सर, डेली बीएमसी होगा क्या, काहे होगा बीएमसी डेली, है ना, अलग अलग टाइम दिया गया आपको, 4 से 5 आपका मिक्स प्रैक्टिस चलता है, 5 से 6 आरसीसी चल रहा है, ये मिक्स क्वेश्चन है, और आपका 6 से 7 जो चल रहा है बीएमसी चल रहा है भी, और 7 से 8 जो मैं कराऊंगा सर्वेइंग कराऊंगा, तो ये है आपका रोज का प्लानिंग, 4 से 5 मिक्स क्वेश्चन, 5 से 6 आरसीसी, 6 से 7 बीएमसी, 7 से 8 सर्वेइंग, तो ये है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज। अब पग मिल इज यूज फॉर द टैम्परिंग, टैम्परिंग के लिए पग मिल यूज करते हैं, एक मशीन होती है ऐसे, इसमें आपके यहाँ पर एक खांचे लगे होते हैं, टीथ लगे होते हैं, ब्लेडिंग टूल्स, और ये घूमते रहते हैं, यहां से मिट्टी डालोगे पानी भी डालोगे, गूंदेगा 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 एक परफेक्ट पेस्ट बनाएगा, यहां से इसको क्या करेंगे, जैसे पेस्ट बन जाएगा तो इसको सांचे के ले जाओगे, मोल्डिंग के ले जाओगे, सांचे में भर दोगे, ठीक है, तो टैम्परिंग करा जाता है इसमें। बुल नोज ब्रिक इज नॉट यूज फॉर द बुल नोज ब्रिक, प्यारे विद्यार्थियों एक्चुअली में बुल नोज ब्रिक है नहीं, ये एक्चुअली में बुल नोज क्लीन होता है, ये बुल नोज क्लीन होता है, भट्टियों का प्रकार है, एक होता है हाफमैन क्लीन और एक होता है बुल नोज क्लीन, भारत में सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये है, और ये अंडरग्राउंड क्लीन होता है, ये बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए खैर यहां पर बताओ, बताओ भाई, गजब हो गया जी, हाँ बुलनोज ब्रिक इज नॉट यूज्ड फॉर, नहीं नहीं अच्छा बुलनोज ब्रिक की बात कर रहा है, अच्छा बुलनोज ब्रिक होता है क्या वैसे, किसी को जानकारी है? देखिएगा बुलनोज ब्रिक कुछ ऐसे होती है भाई, ऐसे ये ऐसा सेफ होता है इनका, ठीक है, ऐसे ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से ऐसा, यहां पर मतलब ऐसे जो होते हैं आपके राउंडेड शेप होते हैं, ऐसे कुछ वो क्या आते हैं बुलनोज ब्रिक, राउंडेड शेप होता है इनका, तो ये माना गया है कि जो बुलनोज ब्रिक जो आती हैं ये आपके थोड़ा सा शॉर्ट होती हैं,
और इनकी स्ट्रेंथ भी कम आती है। तो आर्च में तो भाई लोड बियरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा चाहिए आर्च में, क्योंकि आपका जो आर्च होता है, आर्च में आपका जो आपका वर्टिकल लोड आता है, ट्रांसफर होता है आपके वर्टिकल कंपोनेंट ऑरिजोनटल में, है ना। तो इसलिए हमें अच्छे ब्रिक चाहिए, अच्छे ब्रिक, तो इसलिए आर्च में यूज नहीं कर सकते इसको। राउंडेड और शार्प कॉर्नर के लिए तो बढ़िया रहेगा ये, कोई राउंडेड और राउंडिंग है आपके कॉर्नर आपके कोई, तो उसके लिए सही है। पिलर के लिए भी ठीक है, सर्कुलर पिलर है उसको यूज कर सकते हैं। डेकोरेशन पर्पज के लिए, तीनों पर्पज के लिए तो आप यूज कर सकते हैं इसको, लेकिन भैया आप आर्च के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि आर्च में आता है बहुत ज्यादा लोडिंग, खूब सारा लोड ट्रांसफर करना है। और अगर आप इस तरह के सॉफ्ट ब्रिक या कम स्ट्रेंथ वाले ब्रिक यूज करेंगे तो ये धोखा है, धोखा, डी ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक इज सुटेबल फॉर द हाई क्लास ब्रिक मैसनरी, बताएगा। अब बताओ यहां पर कौन से ब्रिक को आप यूज करेंगे ना, कौन से ब्रिक को आप यूज करेंगे आप बताओ। सिंगल बुल नोज, डबल बुल नोज, हाँ चलो, 19 में बी जवाब कर रहे हैं, और बी जवाब जो किया है निधि रावत, और लोग भी करो भाई, सभी लोग फटाफट से। क्वेश्चन क्या है, हाई क्लास ब्रिक मैसनरी, बेटा इसको कहते हैं मॉड्यूलर ब्रिक, इसको कहते हैं मॉड्यूलर ब्रिक, है ना, मॉड्यूलर ब्रिक, कुछ नहीं है फालतू का कंफ्यूज कराया गया है। बुलनोज ब्रिक आपका हाई क्लास ब्रिक मैसनरी नहीं कहलाएगी, क्योंकि इसकी वैसे भी स्ट्रेंथ कम होती है, सॉफ्ट होती है ना। जामा ब्रिक किसको कहते हैं, ओवर ब्रंट ब्रिक को कहते हैं, ये कहते हैं आप ओवर ब्रंट, ओवर ब्रंट ब्रिक को कहते हैं आप जामा ब्रिक। अच्छा ओवर ब्रंट कैसे हुआ ये, ओवर ब्रंट क्या होता है, मैंने कहा था कि जो भट्टी है क्लीन होती है ना, तो क्लीन में जो फ्यूल होता है आपका, फ्यूल के जो नजदीक होंगे, कोयले के जो नजदीक होंगे ब्रिक, वो ज्यादा पक जाते हैं, तो ओवर ब्रंट होती है भले, लेकिन इनका शेप जो होता है ना, ज्यादा पकने की वजह से, ज्यादा टेम्परेचर लगने की वजह से इनका शेप डिस्टॉर्ट हो जाता है, इरेगुलर शेप हो जाता है। तो इसको हम पर्पज एक फर्स्ट क्लास ब्रिक मैसनरी बना रहे हैं तो वहां पर तो इसको यूज नहीं करेंगे, बुलनोज को भी नहीं करेंगे। अंडर ब्रंट ब्रिक मतलब समझ रहे हो कि उस स्ट्रेंथ ही जो है बढ़िया से आपकी गेन नहीं हुई। अंडर ब्रंट ब्रिक वो ब्रिक होती है जो फ्यूल के दूर की तरफ होती है, तो वो अच्छे से पकी नहीं होती है, इसको भी आप यूज नहीं करोगे फिर तो। तो आप कहेंगे कि यार मॉड्यूलर ब्रिक जो है ना आपकी, जो कि हमने कही थी कि 19x9x9, यही ब्रिक यहाँ पर सबसे बढ़िया है भाई, इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, समझ गए बात को, क्लियर है। ओवर ब्रंट ब्रिक होता है आपका जम्ब ब्रिक, ओके। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रीजन फॉर द सोकिंग द ब्रिक इन वाटर बिफोर द यूज, ये कह रहा है कि जब आप ब्रिक को यूज करते हैं मैसनरी में तो उसको पानी में सोक्ड करके, पानी में डुबो के क्यों रखते हैं उससे पहले, पहले भी डिस्कस किया था मैंने बहुत अच्छे से, पहले भी बहुत अच्छे से किया था यूज। डियस्टन होता क्या है कि ब्रिक मैसनरी है, ये ब्रिक मैसनरी है, आप जानते हैं कि ब्रिक मैसनरी आपने ऐसे लगाई है ना। इस ब्रिक मैसनरी के बीच में हम यहां पर क्या यूज करते हैं जी, हम यहां पर क्या यूज करते हैं, यहां पर आप इस फ्रॉक को भरने के लिए भी क्या यूज करते हैं सर, यहां पर क्या यूज करते हैं बताओ, जरा जल्दी से बताओ, यहां पर क्या यूज करते हैं आप सर, हम यहां पर यूज करते हैं क्या, बोलो जल्दी से बोलो। यहां पर तुमने हाफ बैट यूज कर दिया, ये तुमने दूसरा ब्रिक यूज कर दिया, फिर दूसरा ब्रिक यूज कर दिया, इस तरह से चलता है मैसनरी। यस्टन यहां पर एक्चुअली में एक मोटार यूज किया जाता है फ्रॉक को भरने के लिए भी, फ्रॉक को भरने के लिए भी आपने मोटार यूज किया, यहां पर जो कहा जाता है इसको पॉइंटिंग कहा जाता है, पॉइंटिंग को भरने के लिए भी, ज्वाइंट बनाने के लिए मोटार यूज किया जाता है। सीमेंट प्लस सैंड बजरी प्लस पानी, इन तीनों का मिक्सर होता है क्या, इन तीनों का मिक्सर एक पेस्ट कहलाता है मोटार, और ये मोटार आपका किससे बना, इन तीनों से मिलकर बना। हम क्या करते हैं जब मैसनरी बनाते हैं ना, जिसको एक पॉन्ड में रखते हैं, ये पॉन्ड है आपका, यहाँ पर खूब सारा ब्रिक रखा गया है, ये क्या है ब्रिक है, इसको खूब सारा सैचुरेट करके रखेंगे, या तो ये तरीका रहेगा, या तो दूसरा तरीका होता है कि हम पानी से स्प्रे कर दें, स्प्रिंकलिंग माध्यम से स्प्रे कर दें। इसलिए क्या है, क्योंकि डियर स्टूडेंट अगर आपने ड्राई ब्रिक यूज करी, अगर ये ब्रिक ड्राई होंगी, अगर ब्रिक ड्राई होंगी सैचुरेट नहीं होंगी पहले से, तो ये क्या करेगा, ये जो मोटार है
तो मोर्टार में जो पानी आपने मिलाया था ना, क्योंकि दोनों के दोनों फ्रेश स्टेट में होंगे, ये भी फ्रेश स्टेट में होगा और ब्रिक भी आपका फ्रेश स्टेट में होगा, और ये जो मोर्टार है फ्रेश स्टेट में ही होगा, तो फ्रेश स्टेट का मतलब पानी अभी आपने उसने सेटिंग नहीं की होगी, तो इस पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, कि ड्राई ब्रिक होगा तो ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा इस मोर्टार से, और जैसे ही पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये जो इसकी पकड़ थी, इसकी क्वेशन थी, वो हो जाएगी खत्म, इसकी बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी, वो एक भुरभुरा सीमेंट हो जाएगा बस। तो स्ट्रेंथ क्या होगा, ये खत्म, आपका जो पकड़ बननी चाहिए थी पॉइंटिंग में हो या यहाँ पर की ज्वाइंट की बात करें फ्रॉग में, वो सब की सब खत्म हो जाएगी और आपका ब्रिक मैसनरी गिर जाएगा। तो हम कहेंगे सर, हम कहेंगे फॉर प्रिवेंटिंग एडजॉप्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द मोर्टार बाय ब्रिक, ब्रिक की वजह से, ब्रिक के द्वारा एडजॉप्शन जो मॉइस्चर होने वाला है इसको प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए हम सोकिंग करके रखते हैं। तो आपने सभी लोगों ने यही जवाब किया होगा, सभी लोगों ने यही जवाब किया होगा, है ना। नेक्स्ट करते हैं आगे, इन द कंपोजिशन ऑफ द गुड ब्रिक द टोटल कंटेंट ऑफ द सिल्ट एंड क्ले बाय वेट शुड नॉट बी लेस देन, बताओ जरा जवाब करें, 2016-17 में आ गए हम, बताओ, मजा आ गया ना। हाँ चलो जवाब करो, तुम लोग क्लास को शेयर क्यों नहीं करते भाई, इतना कन बालक सोया हुआ रहता है बस, पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, सबसे पहला जवाब आ रहा है भाई निधि रावत का, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, जवाब करते रहो यार, जल्दी जल्दी करते रहो, देर ना करो, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। चलो आ जा रे आ जा, क्वेश्चन का जवाब दे जा। गजब हो गया, कितना कितना परसेंट सर, हम सब लोग जानते हैं कि सर ये हो जाएगा 50%, क्योंकि बात हो रही है किसकी, सिल्ट और क्ले की। ये सिल्ट और क्ले का मतलब जानते हो क्या है, ये सिलिका है भाई, ये सिलिका वाला कंटेंट की बात हो रही है 50 से 60%, प्यारे प्यारे को ये है। हाँ वेरी गुड, जितना भी बालक सब पढ़ रहे हैं, इधर देखो, कोई ऐसा हो जो देहरादून में है या कोई उत्तराखंड में हो या कोई बाहर से हो, जो एक परफेक्ट तरीके से तैयारी करना चाहता है आफ्टर एसएससी जेई एग्जाम के बाद हो, या आप ऐसे से, क्योंकि हमारा बेस्ट होने वाला है स्टार्ट ये 10 तारीख को ही है, 10th of November, इसमें 4-5 दिन डेमो क्लासेस रहेंगे, 5 से 6 दिन लगभग, आराम से पढ़ते रहो, परखते रहो टीचर को, गुरु जी पढ़ा रहे हैं, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सब बातें, उसके बाद आपका रनिंग में जाएगा ये बैच बढ़िया से 15 के बाद, परफेक्ट तरीके से 15 के बाद, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, परफेक्टली सब्जेक्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा ये परफेक्ट तरीके से 15th of November, 15th of November, ठीक है। 10 तारीख से यहाँ पर आपके कलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और आप चाहे तो इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 500 पे, ये रजिस्ट्रेशन है मात्र, और वेन्यू है आपके लिए इंजीनियरिंग एकेडमी देहरादून, हिमाद्री इनक्लेव के नज़दीक, शिमला बाईपास, पिथुवाला कॉलेज के नज़दीक देहरादून, और ऑफलाइन बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, आप एप्लीकेशन पर जाके इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एप्लीकेशन के लिए आपको जो है इंजीनियरिंग एकेडमी देहरादून EAD ऑनलाइन क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, तो वहाँ से रजिस्टर्ड कर सकते हैं, और भी बातें करनी हो तो मेरे साथ आप कर सकते हैं 8958336805, तो ये मेरा पर्सनल नंबर है, अगर कुछ भी रिगार्डिंग इसके पूछना है या कोर्सेज के रिगार्डिंग या पढ़ाई के रिगार्डिंग, तो आप तुरंत बात कर सकते हैं। हाँ जो भी चाहता है तो आप यहाँ पर, ये सारा का सारा ऑफलाइन है, ऑनलाइन का जब भी बात होगा जब मैं करूँगा, तो 10 नवंबर से स्टार्ट है, मतलब कि मजा आ जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ, अगर एक बार आपने जो है पूरा 6 से 7 महीने मुझे दे दिए ऑफलाइन के माध्यम से, सच में कह रहा हूँ सिविल इंजीनियरिंग से, पूरा सिविल इंजीनियरिंग से प्यार हो जाएगा, बोलोगे आई लव सिविल इंजीनियरिंग। हाँ सच में सर, ऑफलाइन भी कीजिएगा,
हाँ देवेश दास जी, ऑनलाइन जब होगा तब आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी ऑफलाइन का स्टार्ट किया है। रिफ्रैक्टरी ब्रिक आर जनरली यूज टू रजिस्ट, रिफ्रैक्टरी ब्रिक आर जनरली यूज टू रजिस्ट केमिकल एक्शन, डैम्पनेस, हाई टेम्परेचर एंड वेदरिंग एक्शन, SSCC 2017। गजब हो गया साहब। अरे बोलो, रिफ्रैक्टरी शब्द जैसे ही हम पढ़ते हैं ना, हमारे दिमाग में होता है कि यार टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर कोई झेलता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर झेलेगा खूब सारा टेम्परेचर ही झेलता है, हम जानते हैं इस बात को भी। चलेगा बताएगा, व्हाट इज द परसेंटेज, सिलिका का परसेंटेज पूछा गया भाई, और 2017 में पूछा गया है भाई, तो सिलिका सबसे ज्यादा होता है आप जानते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट अपियर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्कलीज इन द ब्रिक्स, आप सब लोग जानते हैं ब्रिक की मिट्टी में न चाहते हुए भी कुछ एल्कलीज आ जाते हैं, कुछ सॉल्ट आ जाते हैं, और उन सॉल्ट की वजह से धब्बे धब्बे पड़ जाते हैं आपकी दीवार में, ब्रिक से बनी हुई दीवार में, व्हाइट पैचेस, व्हाइट धब्बे, और उसी को कहते हैं आप क्या, एफलोरेसेंस, उसी को कहते हैं एफलोरेसेंस। इसकी चार कंडीशन होती है एक्चुअली में सीवियर कंडीशन, मतलब कि आपकी एक होती है मॉडरेट, एक होती है आपकी सीवियर, एक होती है वेरी सीवियर, एक होती है पाउडरी फॉर्म वाली, वेरी सीवियर वाली, एक्सट्रीम वाली। खैर आगे बढ़ते हैं, डियर स्टूडेंट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस पग मिल इज यूज, बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है, इसको हम हटा देते हैं। सर पग मिल का यूज कहाँ पर करते हैं और क्यों करते हैं? चलो वैसे तो आपने पढ़ा था कि टेम्परिंग के लिए, लेकिन इसमें जो आ रहा हूँ ऑप्शन को पढ़ेगा ध्यान से, उसके बाद जवाब करेंगे। बर्निंग ऑफ ब्रिक, ड्राइंग ऑफ ब्रिक, मोल्डिंग ऑफ ब्रिक और प्रिपरेशन ऑफ द ब्रिक, तुरंत जवाब करेंगे। और अगले ही जैसे ही 7 बजती है उसके बाद हमारा होगा स्टार्ट सर्वेइंग, सर्वेइंग में पढ़ेंगे आज, धुआंधार करेंगे आज सर्वेइंग में भी। चलो बताओ बताओ जी। अरे सर मोल्डिंग के लिए तो यूज नहीं करते होंगे, सुखाने के लिए भी यूज नहीं करते, पकाने के लिए भी यूज नहीं करते, तो एक ही काम तो है, प्रिपरेशन ऑफ द ब्रेक, प्रिपरेशन ऑफ द क्ले। गजब करते हो यार पांडे जी, इतने सरल क्वेश्चन का जवाब भी इतना देरी, 25 क्वेश्चन कर चुके हैं आप। आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द मेन रीजन ऑफ द प्रोवाइडिंग द फ्रॉग इन द ब्रिक, फ्रॉग को क्यों यूज करते हैं सर? प्रिंट्स द मैन्युफैक्चरर ने, गजब जी इतनी आफत आई भी हमें, प्रूव द थर्मल इंसुलेशन, गजब जी, रिड्यूस द वेट ऑफ द ब्रिक, गलत जी गलत बात कर दी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, की ज्वाइंट फ्रॉम द ब्रिक एंड मोर्टार, मोर्टार मैसनरी के बीच में और ब्रिक के बीच में आपका की ज्वाइंट बनेगा, खत्म। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग द आइडियल वाटर हाउस इज द प्रोवाइडेड, वेरी गुड, वेयर हाउस, सॉरी वेयर हाउस बोलेगा, आइडियल वेयर हाउस इज प्रोवाइडेड, वेयर हाउस द कॉमर्शियल बिल्डिंग इज द फॉर द स्टोरेज ऑफ गुड गुड्स। प्यारे विद्यार्थियों वेयर हाउस क्या होता है वैसे? वेयर हाउस क्या होता है? एक स्टोरेज होता है, एक स्टोरेज होता है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, कॉमर्शियल बिल्डिंग फॉर द स्टोरेज ऑफ गुड्स, कॉमर्शियल बिल्डिंग फॉर द स्टोरेज ऑफ गुड्स, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स फॉर स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ गुड्स, गुड्स समझते हैं किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी वस्तु और सामान के लिए एक कॉमर्शियल बिल्डिंग होती है जिसमें कि हम स्टोरेज करते हैं, वेयर हाउस। तो बताओ जरा जरा बढ़िया से जवाब करूं, क्यों प्रोवाइड करते हैं आइडियल? सर वाटर प्रूफ मैसनरी वॉल, वाटर प्रूफ रूफ, फॉर विंडोज विच रिमेन्स जनरली क्लोज, वेरी गुड। तो सारे के सारे ऑप्शन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? वाटर टाइट जिसको कह सकते हैं आप, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आप कहेंगे कि सर गजब हो गया, डी ऑप्शन हो गया, है ना, चलेगा। मॉड्यूलर भाई, मॉड्यूलर पूछ दिया भाई, मॉड्यूलर, लेकिन क्वेश्चन का सवाल जो है पहले ध्यान से पढ़े उसके बाद ही जवाब करना है। एमएम में है, ध्यान रखना एमएम में है, लेकिन जल्दीबाजी में गलत ना करें क्योंकि यहां पर एक शब्द उसने और लिखा हुआ है, जल्दीबाजी में गलत ना करें, इसलिए जो है एक शब्द उसने और लिखा है और उसको पढ़ते हुए जवाब करना है। 2017 स्टोर होता है जिसमें गुड्स को स्टोर करते हैं। हाँ अरे गुड मतलब वस्तु, एक आदमी बोल रहे हैं सर उसमें गुड़ को स्टोरेज करते हैं, गुड़ खाने वाला गुड़ है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, नहीं सुना आपने?
सुना होगा, जीएसटी तो सुना होगा, वहां तो पढ़ा होगा कहीं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, पता ना आपको, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की जो स्लैब है 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, ये है आपकी स्लैब। और आपको बता दें जीएसटी आपका स्लैब ये है 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, ये है टैक्स स्लैब। और आपको बता दें एक मजेदार बात, पूरे विश्व स्तर में भारत एक ऐसा देश है ना, पूरे विश्व स्तर में भारत एक ऐसा देश है जहां पर सबसे बड़ा, सबसे ग्रेटर टैक्स लगाया जाता है, सबसे बड़ा टैक्स ग्रेटर टैक्स वसूलने वाला एकमात्र देश है भारत, 28%। पता है आपको इस बात का? नहीं पता होगा, तुम्हें कहां पता होती हैं चीजें। दूसरे नंबर पर है 27% वसूलने वाला अर्जेंटीना, दूसरे नंबर पर अर्जेंटीना, अर्जेंटीना याद है, आउट ऑफ सिलेबस है सर, आउट ऑफ सिलेबस है बेटा, अभी एसएससी में पूछेगा ना तो तब पता लगेगा। तो 200 गुणा 10 गुणा 10 मतलब कि ये है सी ऑप्शन, सभी ने यही किया होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं किया किसी ने। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रिक इन द 5 क्यूबिक मीटर ऑफ द ब्रिक, चलो चलो यार फटाफट जवाब करो, कम से कम हम 35-40 तो कर ही ले। सर एसएससी कितना क्वेश्चन रिपीट करता है बेटा, रिपीट क्वेश्चन नहीं होता लेकिन कॉन्सेप्ट रिपीट करता है, रिपीट क्यों होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो आप कहेंगे कि सर 5 एक मीटर क्यूब में होता है 500, तो 500 गुणा 5 में पूछा था ना, 5 में 25, सभी ने क्या दिया होगा यार, ये तो बच्चों वाली बातें हैं। चलेगा, द वाटर एब्जॉर्प्शन परसेंटेज फॉर अ ब्रंट क्ले ओवर परफोरेटेड ब्रिक, परफोरेटेड ब्रिक की बात हो रही है, परफोरेटेड ब्रिक आप कहते हैं होलो ब्रिक को, जिनमें ऐसे ऐसे होल किए जाते हैं ऐसे ऐसे हीट इंसुलेशन के लिए, मैंने आपको कहा था कि हीट इंसुलेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। तो बताएगा कितना परसेंटेज उसका होता है वाटर अब्सॉर्प्शन, बताओ जरा, गजब हो गया जी, पिछली क्लास में बताया था आपको 4 बजे वाली क्लास में, अरे बताओ जल्दी से कितना परसेंटेज बताओ सर, 15%, यही क्या था सभी ने सर 15%। अरे यार जब हम फर्स्ट क्लास ब्रिक की बात करते हैं तो आपका 20%, सेकंड क्लास के लिए 22%, थर्ड क्लास के लिए आपका जो है 25%, इस तरह से चलता है। और अगर हम परफोरेटेड ब्रिक की बात करें तो 15%, गजब। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द 1.5 ब्रिक वॉल मेड अप ऑफ द स्टैंडर्ड मॉडल ब्रिक, क्या कहा जाएगा इसको, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द 1.5 द ब्रिक वॉल मेड स्टैंडर्ड मॉडल ब्रिक, कितना लेते हैं हम, अरे बोलो जरा जल्दी से सर, थिकनेस ऑफ द 1.5 ब्रिक वॉल इज द कितना, 1.5 है इसको हम लेते हैं 30 सेंटीमीटर, ठीक है इसको लेते हैं हम 30 सेंटीमीटर, डियर स्टूडेंट ये लेते हैं हम 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर डियर स्टूडेंट। देखो भाई आप रिदम के साथ पढ़ो तो पढ़ते रहोगे ना, अगर आप रिदम के साथ पढ़ते रहोगे तो कोई कम नहीं है, कुछ कम नहीं हो रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, 4 बजे से कंटिन्यू क्लास चलते जा रहा है, 5 बजे 6 बजे इतने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं, कोई कमी नहीं हो रही है, बस इसके बाद एडिशनल टाइम आप देते जाओ, सुबह की पारी में आप खुद के लिए टाइम दो, शाम की पारी के लिए मेरे पास टाइम दे दो, बस हो गया काम खत्म। हमें पता है कि प्री पेपर है, ऐसे कि प्री के पेपर है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको ना लिखने की ज़रूरत है, बस आपको रिकवर करना है दिमाग में बार बार, मेंस के जब आप एग्जाम देने जाओगे तो उससे पहले हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे आपको, टेंशन नहीं, उसके लिए आपको अलग तैयारी करनी होती है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले प्री की बात करें तो प्री के लिए तो आपको यही चल रहेगा ऑब्जेक्टिव, गजब करते हो। एलिमिना की बात करते हैं तो एलिमिना क्या करता है डियर स्टूडेंट, एलिमिना शब्द जैसे ही आता है तो इसका मतलब होता है मेंटेन दी प्लास्टिसिटी, और प्लास्टिसिटी का मतलब होता है कैन बी मोल्डेड,
कैन बी मोल्डेड, कैन बी मोल्डेड मतलब कि किसी भी शेप में आप ढाल सकते हो। अगर प्लास्टिसिटी ना होती तो भैया आप कभी भी ब्रिक को किसी शेप में नहीं ढाल पाते, ये बात आप जानते हैं शायद। अरे जानते हो कि नहीं जानते हो? नहीं जानते सर, हम पहली बार सुन रहे हैं सर। कोई है ऐसा? अगेन, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ टू ब्रिक वॉल मेड ऑफ द स्टैंडर्ड मॉडल ब्रिक? टू ब्रिक वॉल, दो ब्रिक वॉल है, टू ब्रिक वॉल, टू प्लेन ब्रिक वॉल। टू ब्रिक वॉल, क्या हो जाएगा यहां पर बताओ? ये तो पहले भी डिस्कस किया था हमने एक क्वेश्चन शायद, टू ब्रिक वॉल की बात हो रही है। दो हजार सत्रह में आ रखा है, नौ दस पता नहीं सर, पता नहीं सर, चालीस आवाज कट रही है। चलो तो आज की सभा हम यहाँ पर इसको खत्म करेंगे 34 क्वेश्चन के साथ। बोला जा रहा है कि किस टाइप ऑफ स्टोन इज यूज इन द रबल मैसनरी। प्यारे विद्यार्थियों, रबल मैसनरी के बारे में मैं कई दफा आपको बता चुका हूँ, कई दफा, अगर आप मुझे कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं। एक होता है रबल मैसनरी, एक होता है एस्लर मैसनरी, दोनों बातें बहुत अच्छे से समझा चुका हूं अगर आप कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं तो। बताओ जरा प्यारे विद्यार्थियों, रबल मैसनरी होता है आपका एक मोटे मोटे तौर पर पत्थर को छेनी की मदद से करा होगा। एक होता है एशलर मैसनरी, एशलर, एशलर, एशलर का मतलब होता है कि स्मूथ फेस दिया होगा आपने छेनी की मदद से, तो इसको हम हार्ड स्टोन के लिए यूज करते हैं भाई, हार्ड स्टोन के लिए। सभी ने यही किया कहा? चलो फिर अगले 5 मिनट में मिलते हैं फिर सर्विंग की क्लास में। सर आपने शेड्यूल बहुत जल्दी जल्दी कर दिया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कुछ पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, तो आप अगले मिनट मिलो आप। थिकनेस कैसा आया बेटा? अभी मिलते हैं 5 मिनट में, ठीक है, जिसमें सर्विंग मैं कराऊंगा आपको। आज सर्विंग का क्लास होगा अगले 5 मिनट में, तो सभी लोग जुड़ेंगे।